ओके सो गाइस, हम यहाँ रुके थे जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली में, और हमसे मिलने एकदम प्यारे प्यारे लोग आए। आपको मैं बताता हूँ एक एक करके। आज का वीडियो बहुत ही अलग और बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम हैं दिल्ली में। हम मतलब मैं और दो लोगों के साथ आया हूँ, तो मैं आपको ये इंट्रो के बाद उनसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। तो मैंने सोचा था कि ये व्लॉग भी मैं एयरपोर्ट से शुरू करूँ, जैसे मैं सिनेमैटिक्स डालता हूँ एयरपोर्ट के एंड जो बाकी सब क्लिप्स डालता हूँ। लेकिन मेरी फ्लाइट थी सुबह 6 बजे की, तो वो फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई थी एंड मैं सोया नहीं था, तो मैं सोचा कि क्यों ना ये मैं व्लॉग दिल्ली में जाके क्यों ना शुरू करूँ। तो हाँ, मैं ये दिल्ली में आके शुरू कर रहा हूँ। तो मैं फाइनली दिल्ली पहुंच चुका हूँ, लेकिन मैं ठीक से सोया नहीं हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है। सबसे पहले मैं कुछ खाऊंगा, उसके बाद मैं फ्रेश होऊंगा एंड उसके बाद मैं आप लोगों को मिलाऊंगा वो दो जन से जो मेरे साथ है। एंड और एक बात गाइस, जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ वो जगह बहुत 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 ही ज़्यादा बॉम है, तो मैं इसके बाद आपको पहले मेरा रूम टूर दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलाऊंगा मैं जिसके साथ आया हूँ, और आप सब उनको जानते हो वैसे भी, बट फिर भी मैं एक बार मिला लूँगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो मिलते हैं अब सीधा फ्रेश हो गए। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये स्पेक्स मेरे पे कैसे लग रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो मिलते हैं अब सीधा फ्रेश हो गए। One hour later. तो ये है मेरा रूम और अरे कौन है? कौन? अबे साले मेरे रूम में घुसते नहीं दे रहे, बेशरम आदमी, अरे क्या कर रहे हैं? तो ये है, यहाँ से रूम चालू होता है। ये है एक मिरर, और ये है एक मिरर, ये दूसरा है मिरर, और ये है सैफ कुरैशी, ये है सैफ कुरैशी जैसे आप लोग जानते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। हाँ, ये है तीसरा मिरर और ये है हमारा रूम। वो मस्त दिख रहा है ना? तो यहाँ पे मैं सोऊंगा और यहाँ पे सैफ सोएगा, और तीसरा कौन? दो बेड में तीन जन कैसे सोएंगे? वॉशरूम दिखाता हूँ, रुक जाओ। वॉशरूम, ये वॉशरूम थोड़ा देखो गंदा करके रखा है सैफ ने, वो सब ठीक है, चलता है। तू मेरे पे डाल दे। और ये है हमारा घंटे बैठ के खुद ही तो ये है हमारा वॉशरूम, हमारा मतलब हमारा यानी करण और करण के दोस्त का, मतलब हमारे, तू मेरा दोस्त नहीं है, करण की दोस्त का, हाँ जबरदस्ती करण की दोस्त का। और ये है कुछ चला समझ जाओ, वो है टॉयलेट, चुप रहे सारे। तो ये रूम, ये कुछ ऐसा दिखता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा रूम है ये। लाइटिंग्स जैसी लग रही है वैसी है नहीं, वीडियो में बराबर आ नहीं रही है, आ नहीं रही है। मस्त प्लान है। ओके टाटा बाय। सो गाइस, मैं एकदम फ्रेश हो चुका हूँ अभी एंड अभी मैंने अपना लंच किया ये टाइम पे, अभी क्या ही बोलूँ मैं। और मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं और दो लोग से मिलाने वाला हूँ, तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ वो दो लोग। ओ ये है, कुछ दिख रही नहीं है आप तो। ये है हमारे मिस्टर प्रेसिडेंट, और ये है मिस्टर लूसीफर। क्या बात कर रहे हैं, जानते होंगे। ओके, तो मैंने अभी सैफ को बोला कि हम जाएंगे वर्कआउट करने, और ये देखो आलसी, ये देखो ये बस ऐसे ही बैठा है, चलना ये आलसी, बस खाना खा के सो जाओ, फिर उठो खाओ और सो, हत्ती जैसे। और इनको देखो कोई कंपनी देने आ रहा है, ये तो दिख रही नहीं। ओह माय गॉड, आई एम गोना स्क्रू यू गाइस, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं इनको। ओ तो सैफ कितने बजे जाना है वर्कआउट करने? तू ये चीज दोपहर से बोल रहा है मेरे को? अबे झूठे, अभी खाना खा के आते जैसे सो गया, नहाने खुद गया और तो नहीं निकाल रहा है। तो मैं नहाया, मैं थक गया था, मैं नहाया, मैंने खाया, तो मैं तो वही बोल रहा हूं, अभी नहाया खाया सब कर लिया, अभी इसके चल अभी चलते, ये झूठा साला हाथी कब से खाया है और सो रहा, खा रहा है सो रहा, और इनको देखो। मैं इतना थक गया हूँ सुबह से, ये लोग जिम 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 कर रहे, एक मिनट का जिम नहीं किया, एक मिनट ब्राइटनेस बढ़ा दे दो।
few moments later. तो क्या हो गया? खांसी क्यों हो रही है? कोरोना हो गया अचानक से. Wait a minute. Who are you? कोरोना हो गया देखो. Coronavirus. Coronavirus. It's a real shit, baby. तो देखा आप लोगों ने इसको जिम नहीं जाना है तो अब ये जबरदस्ती खास रहा है. oh. तो फाइनल जैसा आपको बताया था कि हम जिम जाने वाले तो अभी हम ये टाइम पर जिम जा रहे हैं. जिम 11 बजे तक है यहाँ पे और अभी बज रहे हैं 9:30. तो अभी आपको बता दो कि यहाँ का जिम कैसा है. बज गया. ओके सो गाइज ये है यहाँ का जिम. जैसे आप लोग देख सकते हो बहुत 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 अच्छा जिम है. मतलब वर्कआउट हो सकता है यहाँ पे. अच्छा खासा वर्कआउट हो सकता है. ज़्यादा स्पेस मतलब ज़्यादा बड़ा जिम भी नहीं है बट जितनी मशीन्स चाहिए ना जो नेसेसरी है वो सब है यहाँ पे. एंड डंबल्स देख रहे हो. लाइटिंग भी अच्छी है. और ये अभी तक वीडियो बना रहा था. जैसे ही मैंने देखा ना जैसे जैसे देखा मैं वीडियो बना रहा हूँ वर्कआउट करने लग गया. क्या झूठा है. तो चलो आज हम करने वाले हैं पुश वर्कआउट. आज हमारा भाई यश तो नहीं है, आज सैफ है. तो आज हम करेंगे पुश वर्कआउट और बस इतना ही. तो मिलते हैं अभी वर्कआउट के बाद. हम लोगों ने चेस्ट मार लिया, हम लोगों ने शोल्डर मार लिया और अभी बचा है ट्राइसेप जो कि कुछ है ही नहीं मारने को यहाँ पे ट्राइसेप के लिए. तो अभी देखते हैं हम क्या मारेंगे. तो देखो यार आप भी क्या हो गया सेफ. बहुत ज़्यादा हो गया आज के लिए. हमारे खाना भी उतना नहीं हुआ है बट फिर भी हम लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं वर्कआउट करने के लिए. शक्ल देख पूरा डेवास्टेटेड हो गया. इसको मार करना. चलो अभी ट्राइसेप्स मारेंगे. चलो तो अभी हम मारेंगे ट्राइसेप्स. A few moments later. Okay, so guys, वर्कआउट खत्म होने के बाद ये बंदा जो है वो डायरेक्टली आके सो गया. लाइक इसने पोस्ट वर्कआउट मील कुछ भी नहीं खाया. मैंने इसको 100 टाइम बोला खा खा खा, बोलता नहीं 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 मुझे नींद आ रही है. और अभी बज रहे रात के 2 और मैं खा रहा हूँ ये तंदूरी. यही मेरा पोस्ट वर्कआउट मील भी है और यही मेरा डिनर है आज का. तो मैंने इससे बोला था कि भाई यार इतना वर्कआउट किया कुछ तो खा ले कुछ तो खा ले. लेकिन नहीं भाई साहब को तो सोना है. क्या ही बोल रहे हैं आप. तो अभी जल्दी से अपना मैं ये पोस्ट वर्कआउट मील कंप्लीट करता हूँ. तो मैं मिलता हूँ आपको ये खाने के बाद. The next day. So, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं खाने के बाद मिलता हूँ. लेकिन मैं इतना ज़्यादा थक चुका था. और ये क्या हो रहा है इतनी राइट क्यों आ रही है. हाँ मैं इतना ज़्यादा थक चुका था कि मैं गर्मी बहुत है यार यहाँ पे. ओके सर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि कल मैं खाने के बाद मिलता हूँ. लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं सो गया था. तो मैं वो कल का व्लॉग आज कंटिन्यू कर रहा हूँ. और अभी बज गए हैं शाम के 5. जैसे कि आप लोगों को पता ही हर टाइम मैं लेट करता हूँ. आज लेट किया है मिस्टर शेफ कुरैशी. आज शेफ ने लेट किया है. तो अभी हम आए नीचे हमारा खाना लेने. पहले उठने वाला बंदा मैं ही हूँ और हमेशा से मैं ही. शेफ बोलता है कि मैं डाइट पे और KFC खाते रहता है. तो अभी हम सबसे पहले जाएंगे रूम में कुछ खाएंगे और उसके बाद हाँ वही कुछ खाएंगे मतलब KFC खाएंगे. और उसके बाद डाइट पे बोल ले बोल ले बोल बोल बोल. तो उसके बाद पहले हम कुछ खाएंगे. डाइट का बोल के KFC खा रहा है अबे साले. ये इसको इसके बात मत सुनो. तो पहले हम जाएंगे कुछ खाएंगे. तो उसके बाद हम कहाँ जाने वाले सिर्फ कहाँ गया. अच्छा हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए. हाँ उसके आज ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 8 बजे के बाद मेरे ख्याल से लॉकडाउन हो रहा है. तो हाँ हम जाएंगे आज शॉपिंग करने. पहले कुछ खा लेते फिर देखते हैं उसके बाद निकलते. ये हवा से तो मैं बाहर निकल रहा हूँ तो वैसी एलर्जी हो गई है. बहुत गर्मी है. तो मिलते हैं आप सीधा खाने के बाद. ओके सो अभी ये देख रहे हो. ओ भाई साहब देखो इसका एक दिन वर्कआउट करके इतना भाई साहब हो गया. गाइस इसको कमेंट करके बोलो, इसको DM करके बोलो कि जिम स्टार्ट कर दे फिर से. और इनको देखो
लाइट बढ़ा रहा हूँ। ये खाली राइस खाते रहते और खाते खाते फैल गए खा खा के। तो अभी हम खाएंगे, तो हम खा ही रहे हैं, तो क्या सेफ, इसके बाद कहाँ जाना है? बोला तो अभी नीचे नीचे जाना है। कितनी बार बोलूं तेरे को? कब बोला मेरे को तूने? अभी तुम नीचे से KFC लेके आ रहे थे ऊपर। कहाँ जाना है? शॉपिंग करना है। कहाँ पे? कौन सा एम्बियंस मॉल? क्या शॉपिंग, क्या शॉप करना है देखो? वो एक सीक्रेट चीज है, वो हम लड़कों की एक सीक्रेट चीज है, तो बस वही पहनना, वही पहनने के लिए लेना है। ठीक है, फिर हम सीधा अभी मॉल के अंदर मिलते हैं। नहीं चलो, हम खाने के बाद वो खरीदते खरीदते मैं अगर हो सका तो मेरे या इसके उसमें डालूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं डालूंगा, तू ही डाल देना। आप लोग देखना। तो चलो अभी मिलते हैं हम सीधा खाने के बाद। ओके सो फाइनली हम लोग आज दूसरे दिन बाहर आ चुके हैं, तो अभी देखते हैं दिल्ली कैसा है और कैसा नहीं। और एक मिनट, उफ, और यार दिल्ली में बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है। तो सैफ आपको कैसा लग रही दिल्ली की गर्मी? ऐसा लग रहा है अभी बस में पिघल के पानी बन जाऊँ। और यहाँ पर अंधेरा हो गया है, तो अंधेरे से उजाला हो चुका है। तो हम आ गए यहाँ पे, ये है मतलब दिल्ली की सबसे फेमस जगह है, जैसे कि आप लोगों को पता ही कि बहुत लोग यहाँ पर आके वीडियोस बनाते थे। तो अभी हम जाएंगे कि जगह का नाम क्या है? कनॉट प्लेस। हाँ, कनॉट प्लेस। तो अभी हम जाएंगे, देखेंगे कनॉट प्लेस कैसा है कैसा नहीं। तो मैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी डाल दूंगा, वो आप लोग देख लेना। और क्या, मिलते बाय। मिलते, क्या कर रहा है ये? यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया कि हम लोग शॉपिंग करके निकले और करण भाई का टूट गया जूता। करण भाई कैसा लगा आपको अपना जूता तोड़ के? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया ना। फिर आप आगे क्या सोचो जूता सिला के पहनने के लिए? हाँ, अभी क्या है, तू नया लेके दे रहा ना, अभी तूने तो बोला। अभी जस्ट तेरे लिए जाना। A few moments later, यहाँ पर हर चीज तो ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा कैसा बोल रहे हैं? हर चीज जितने का ये आईफोन नहीं, उतने का तो ईयरफोन बेच रहे हो। तो अभी पानी हो गई। तो अभी अभी मैंने मेरा ये टूट गया था, तो मैंने ये सिला और मेरे साथ यहाँ पे हो गया स्कैम। तो उसी स्कैम की खुशी में अभी मैं पी रहा हूँ ये शेक। सेफ पी रहा है पानी। शेक? ए, पानी नहीं है भाई, लाइम सोडा। एक मिनट को प्रैक्टिस बढ़ा दे एवरी टाइम। और ये पी रहे है लाइम सोडा, ये भी पी रहा है लाइम सोडा। बहुत गर्मी है यार यहाँ पे, बहुत गर्मी इसके है। लिए इसीलिए तो पी रहे लाइम सोडा। तो अभी लाइम सोडा पीने के बाद हम मिलते हैं, ठंडी आ जाएगी। चलो फिर मिलते हैं अभी हम सीधा लाइम पीने के बाद। तो गाइस जैसे कि आप लोग ये लाइन देख सकते हो, ये है मेट्रो की लाइन। इतनी लाइन से अच्छा तो मैं घर पे चल के ही पहुँच जाऊँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ 8 बजे के बाद लाइक कंप्लीट लॉकडाउन हो जाता है। ताला वाला कहाँ ले गया? अरे भाई भाई भाई। तो यहाँ भी 8 बजे के बाद कंप्लीट लॉकडाउन हो जाता है। यहाँ पे हम लोग आए थे, थोड़ा लेट आए तो हमें कुछ ज़्यादा देखने नहीं मिला, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सब कुछ बंद हो गया। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम जाएंगे वापस होटल में। क्या कहाँ जाएंगे? अरे यार क्या करेंगे, सब बंद हो गए। अभी जाएंगे हम सीधा, ये मस्त लग रहा है शटर। अभी हम जाएंगे होटल में, वहाँ पे कुछ खाएंगे, तो मिलते हैं हम अभी से आपको। ओ वाह, बहुत प्यारे पीछे से। हाँ तो अभी हम मिलते हैं आपको सीधा होटल में। The next day. ओके सो गाइस, हम यहाँ रुके थे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली में
और हमसे मिलने एकदम प्यारे प्यारे लोग आए। आपको मैं बताता हूँ एक एक करके। भूत वाली डीपी वाला कौन था? ये है चेक। ये भूत वाली डीपी रखती है, अपने को रात को डराती रहती है। देखो मास्क का खौफ देख कितना हो रहा है। और ये है सैफ जो कल मास्क का फाइन भरते भरते बच गए। तू भरते भरते बचा। तो भाई ये दिल्ली से, भाई क्या बोल रहे थे आप? दिल्ली में रहने का फायदा नहीं है सच में, क्योंकि जितनी गर्मी पड़ रही है ना यार, बहुत गर्मी पड़ रही है। और मैं गर्मी में हुडी पहना हूँ तो मुझे ऐसा पागल मत समझना। मैं जल्दी जल्दी में आ गया। और हाथ तो मिलाओ। और ये भूत आप देख सकते हो। और ये कोई तो छुप रहा है पीछे, कोई तो छुप रहा है। आ गया, आ गया, कौन छुप रहा है? आ गया, आ गया। ये तो सेफ है। ये देखो, आ जाओ जल्दी, आ जल्दी, आ जल्दी, आ जल्दी। आपका नाम? आरिश। तो इन्होंने मुझे कुछ लोगों से बात करा है, एकदम प्यारे प्यारे लोगों से वीडियो कॉल पे। और उनमें उनमें से भी एक जन जो था उसका डीपी नहीं था। उनका नाम क्या था? अक्षिता। तो अगर अक्षिता आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो नेक्स्ट टाइम से प्लीज़ डीपी रख देना। और चेक के साथ मत रहना, वो भूत वाली डीपी रखती है। हम आए थे कुछ खाने के लिए। यहाँ तौफीक भाई की बिरयानी है, इनका शॉप का नाम है। तो हम यहाँ बिरयानी खाने आए थे और क्या करने आए थे, और बहुत कुछ खाने आए थे, क्योंकि हम सुबह से बहुत ज़्यादा थक चुके थे वीडियोस बना के। तो सर कैसा लग रहा है आपको? यार तुम लोग हमेशा खाने के लिए तौफीक भाई के यहाँ पे ज़रूर आना। और यहाँ पे बहुत साउंड है, इसलिए मैं बहुत ज़ोर से बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं ये आवाज़ आप पहचाने किसकी आवाज़ है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और प्लीज़ ब्राइटनेस मत लिख देना। तो ठीक है, अभी हम बिरयानी खाते हैं, तो मिलते हैं अभी हम आपको सीधा बिरयानी खा के। ओके, सो ये है हमारी आज रात की सवारी। अरे पीछे किसी ने ठोक दिया। नहीं नहीं, तो कैसी लग रही साहब आपको ये सवारी? पहली बार बैठ रहा हूँ। दिखाओ सवारी, तो दिखाओ हमारी। उल्टी जा रही है सवारी, उल्टी नहीं जा रही, हम उल्टे बैठे हैं। वो ऐसे लग रहा है उसे बैठे हैं, वो रोलर कोस्टर। तो अक्षय को रोलर कोस्टर से कुछ याद आया।